हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इंस्टाग्राम अकाउंट से फेसबुक अकाउंट डिसकनेक्ट कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट से फेसबुक अकाउंट डिसकनेक्ट करना, तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखेगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया सो गाइस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आप लोग इंस्टाग्राम अकाउंट से फेसबुक अकाउंट डिसकनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, और इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, अब आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आपको नीचे कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर प्रोफाइल का, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये प्रोफाइल का एक आइकन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए आपको थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये थ्री लाइन का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, तो दोस्तों सिंपली आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शन आ चुके हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का, सिंपली आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा शेयरिंग टू अदर ऐप्स, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पर फेसबुक से कनेक्टेड है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका भी अकाउंट इसी तरीके से यहाँ से फेसबुक से कनेक्टेड होगा। तो दोस्तों, ये आपको डिसकनेक्ट कैसे करना है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर ये राइट टिक है आपको सिंपली इस वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेंटर का, सिंपली दोस्तों आपको अकाउंट सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ये देखिए प्रोफाइल आपको शो हो जाएगी अपनी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट्स का, सिंपल आपको अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम से फेसबुक अकाउंट डिसकनेक्ट करना है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव का, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा नीचे साइड में, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पर इसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव मोहित प्रजापति, ठीक है। इस तरीके से आपका नाम शो हो जाएगा, रिमूव करके कुछ जो भी आपका नाम होगा वो शो हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद ये लोडिंग लेगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो इंस्टाग्राम अकाउंट से डिसकनेक्टेड हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अब कोई भी अकाउंट नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम अकाउंट से अपना फेसबुक अकाउंट डिसकनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई अकाउंट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।